दोस्तों, आपने हमारी पिछली वीडियो में जाना कल्पना चावला के साथ घटित घटनाओं के बारे में। आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और ऑल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले, जिससे आपको हमारी हर वीडियो की जानकारी मिले सबसे पहले। आज आप इस वीडियो में जानोगे दुनिया के 5 सबसे खतरनाक देशों के फाइटर प्लेन के बारे में, जो दुश्मनों की आंखों को चकाचौंध कर देगा और रात को दिन और दिन को रात बना देगा। तो आइए मिलकर जानते हैं इनकी विशेष खूबियों के बारे में, जिसको जानने के बाद आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करोगे। नंबर 5, सुखोई SU-57। ये एक खतरनाक लड़ाकू विमान है जिसको भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। ये एक मल्टी रोल फाइटर प्लेन है जिसको आसानी से कोई भी ऑपरेट कर सकता है और इसको चलाने के लिए 2 पायलट की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसको 1 पायलट भी चला सकता है और इस फाइटर प्लेन में 2 इंजन लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये 2240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दुश्मनों को रातों रात ध्वस्त करने के लिए काफ़ी है। और इस विमान की कीमत 40 से 50 मिलियन अमेरिकन डॉलर है। इस विमान को पूरी दुनिया में T-50 के नाम से भी जाना जाता है। इस लड़ाकू विमान में दुनिया का सबसे खतरनाक स्टेल्थ पावर है। ये लड़ाकू विमान MiG-29 और SU-29 जैसे विमानों से कई गुना आगे है। नंबर 4, लॉकहीड मार्टिन F-35 Lightning II। ये विमान 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान है जिसको अमेरिका ने बनाया है। इसको अमेरिका का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान भी कहा जाता है। इस विमान को बनाने का काम 2006 में ही किया गया था। काफ़ी परिश्रम और मशक्कत के बाद आज तक इस विमान के केवल 14 ही यूनिट बन पाए और ये आज भी अपग्रेड किया जा रहा है और इसको अपग्रेड करने के लिए एडवांस कंप्यूटर फीचर से ऑपरेट भी किया जा रहा है और इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर जिसकी वजह से ये रेडार में भी नहीं आता। और इसकी स्पीड 1930 किलोमीटर पर आवर है, जो कि साउंड की गति से 1.5 गुना तेज है। और इस विमान के 3 और मॉडल बनाने का काम शुरू है, जो है F-35A, F-35B, F-35C, जिसके बनने की लागत का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। और ये सर्जिकल स्ट्राइक के साथ साथ दुश्मनों के घर में घुस के नाश्ताबूत करने के लिए काफ़ी है। नंबर 3, डासॉल्ट राफेल। इस विमान का नाम आप में से ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा। ये विमान जमीन से उड़ान भरने के साथ साथ विमान बूथ मतलब प्लेन करियर शिप से भी उड़ान भरने में कारगर है। आप में से कई लोगों को पता होगा कि 4 जुलाई 1981 में राफेल के कैटेगरी विमान ने अपनी पहली उड़ान भरी थी और साल 1981 से 2019 तक राफेल के 192 यूनिट ही बन पाए। इस प्लेन के निर्माण और राफेल को ABC कैटेगरी में बनाया गया है और ये 1920 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हासिल कर लेती है और चाहे कोई सा भी मौसम हो, ये दूर से ही दुश्मनों का पता लगाकर उन पर हमला करने में कारगर है। और ये राफेल में सबसे खास बात यह है कि दुश्मनों को 3D स्कैनिंग कर उनका पता लगाकर उन पर परमाणु हमला करने में सक्षम है। और ये विमान एक बार में अलग अलग जगहों पर निशाना बना के दुश्मनों को रात में दिन दिखा सकता है। नंबर 2, चांगदू J-20। ये प्लेन चाइना द्वारा आविष्कार किया गया है, जो कि मल्टी रोल फाइटर प्लेन है, जो कि हर मौसम में दुश्मनों की हालत खराब करने के लिए अकेले ही काफी है। दूसरे फाइटर प्लेन के मुकाबले इस प्लेन का वजन काफी कम है और इसकी स्पीड 2100 किलोमीटर पर आवर है और ये 45,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता है। इस विमान में लेजर गाइडर बम के साथ सैटेलाइट गाइडर बम भी शामिल है, जिसकी मदद से ये दुश्मनों को धूल चटा देता है। इस जेट प्लेन की लागत 110 मिलियन अमेरिकन डॉलर है। इसको चाइना के आगे आने वाले खतरों के लिए बनाया गया है। मौजूदा समय में ये विमान चाइना के बटालियन का एक अहम हिस्सा है। नंबर 1, F-22 Raptor। ये दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान है और ये विमान 5th जनरेशन के सभी विमानों से कई गुना आगे है। इसके आगे कोई भी नहीं टिक पाता। इस विमान में बारूद दागने की असीमित क्षमता है, जिसकी बराबरी आज तक का कोई भी विमान नहीं कर पाया है। वैसे ये विमान 2005 में बनके तैयार हो गया था, पर अमेरिका सेना में ये विमान 2013 में शामिल हुआ
ये विमान दुनिया के किसी भी रेडार में नहीं आ सकता। इस विमान की स्टेल्थ पावर सबसे ज्यादा है। इस प्लेन में ग्राउंड अटैकर, इलेक्ट्रॉनिक वॉलफेयर, इंटेलिजेंट ट्रैकर जैसी अनगिनत खूबियां हैं जो इसे सबसे आगे ले जाता है। इस विमान की कीमत लगभग $150 मिलियन है और इसकी रफ्तार की बराबरी दुनिया का कोई सा भी विमान नहीं कर सकता। 2414 की स्पीड से ये हवा से बातें करती हुई चलती है और ये 60,000 की ऊंचाई को छूकर दुश्मनों को रौंद भी सकती है। अभी अमेरिका के पास इस विमान के कुल 195 यूनिट मौजूद है, जो कि अमेरिका के एयरफोर्स को सबसे ताकतवर बनाता है। जिन भी देशों के पास ये फाइटर प्लेन है, उन देशों के लिए ये ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। दोस्तों, इनमें से आपको कौन सा प्लेन अच्छा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपसे मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।